हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज कई मेरे जो फ्रेंड्स ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि सर क्या हम बी एंड सी टाइप ऑफ डीसीपी एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर जो जिसमें बी एंड सी लिखा हुआ है, क्या हम ए क्लास फायर में यूज कर सकते हैं? तो पहले तो मैं फ्रेंड्स को बोल देता हूं कि ए क्लास फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, सॉलिड फायर होता है। एंड एक क्लास का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं और वो केमिकल जो होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जो क्लास ए टाइप के फायर को पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश करने की क्षमता रखता है। और क्लास बी एंड सी जो एक्सटिंग्विशर है उसमें ये चीज नहीं रहती है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट विद CO2 के हाई प्रेशराइज्ड CO2 कार्टेज के साथ उसके अंदर रहता है, प्रेशर विद फुल प्रेशर। जब भी आप पंचर करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज होके वो केमिकल्स को आउट करता है। तो अगर आप बी सी एक्सटिंग्विशर को अगर एक क्लास में यूज करेंगे तो वो थोड़े हद तक उस आग को बुझा देगा, लेकिन पूरा का पूरा वो एक क्लास का फायर को वो एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो मैंने केमिकल बताया वही एक्सटिंग्विश करने की क्षमता रखता है। अगर आप बुझाएंगे बीएनसी से ए को तो थोड़ा आग तो बुझ जाएगा, लेकिन फिर से वो री इग्नाइट हो जाएगा, फिर से वो आग पकड़ लेगा एंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउट शायद आप लोगों का फ्रेंड्स को जो माइंड में था, आई होप क्लियर हो गया। जिस क्लास का एक्सटिंग्विशर है जो ए बी सी डी जो लिखा है वो उसी क्लास के फायर में ही आपको यूज करना है। और अभी क्लास ऑफ फायर तो मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड किए हैं, वो क्या है आप थोड़ा देख लीजिए। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो पक्का मुझे लिखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।